नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमा किचन हेल्दी फूड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आज का रेसिपी मैं बनाऊंगी भुजिया भिंडी का। ये देखिए हमने भिंडी ताज़ा हरा तोड़ लिया है, खेत से लाया हुआ है। देखिए कितनी लंबी लंबी भिंडियाँ हैं, तो अच्छे से मैं धो ले रही हूँ साफ पानी से। दो तीन बार अच्छे से धो लेना है साफ पानी से। एक बार मैं भिंडी को धो ली हूँ तो दूसरी बार बाल्टी में डाल के अच्छे से धो ले रही हूँ। धो के मैं दूसरे बर्तन में रख ले रही हूँ। ये देखिए दोस्तों हमने भिंडी साफ पानी से धो के रख लिया है बर्तन में, और हमने तड़का लगाने के लिए चार मिर्ची लिया हुआ है हरा, और लहसुन का कली तो हमें बारीक काट लेना है तड़का लगाने के लिए। तो दोस्तों भिंडी को मैं कट कर ले रही हूँ, तो इसे एकदम महीन महीन काटना है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। तो दोस्तों हमने ढेर सारा भिंडी लिया हुआ है, तो इतना मैं नहीं बनाऊंगी भुजिया, जितना मुझे आवश्यकता है उतना मैं बनाऊंगी। तो मैं इसे कट कर ले रही हूँ अपने जरूरत के हिसाब से। ये देखिए दोस्तों हमने इतना भिंडी काट लिया हुआ है और मैं काट रही हूँ, और जो है ना इसका निकाल देना है दोनों साइड से, तो मैं काट चुकी हूँ। ये देखने में दोस्तों मोटा लग रहा है पर बहुत ही नरम है ये भिंडी। ये देखिए दोस्तों हमने थाली में काट के भिंडी रख लिया है अपने जरूरत के हिसाब से, और ये देखिए इतना हमने सारा बचाया हुआ है। ये टाइट भिंडी है तो हमें ऐसे भिंडी नहीं यूज करना है। हरी मिर्च को भी कट कर ले रही हूँ तड़का लगाने के लिए, तो साथ में लहसुन भी बारीक काट लेना है। तो किसका किसका फेवरेट भाजी है भिंडी, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तेल हमने सरसों का डाला हुआ है, तो तड़का लगा दे रही हूँ लहसुन और मिर्ची का। लहसुन मिर्चों को अच्छे से भून लेना है तेल में। तड़के हमारे पक चुके हैं तो भिंडी में डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों हमने अपने खेत से लाया हुआ है भिंडी। हमारे खेत में इस समय बहुत सब्जियाँ जो है कि अपनी जरूरत के हिसाब से निकल जा रही हैं। हम लोग अपने खेत में सब्जी खा रहे हैं, इस समय हरी भरी खेती में निकल रही है। तेल में अच्छे से भून लेना है। तो दोस्तों इसको जो है कि थाली से या कोई भी चीज से ढकना नहीं है। भिंडी में अभी जो है कि नमक नहीं डालना है, जब एकदम बढ़िया से जो है कि इसका कलर बदल जाएगा, लाल टाइप में हो जाएगा गोल्डन कलर में, तो डालना है नमक। भिंडी की भाजी बीच बीच में चलाते रहना है, इसी प्रकार से चेक करते रहना है। तो दोस्तों हमने जो है कि लहसुन और मिर्चा दोनों तड़का लगाया हुआ था, जिनको ना पसंद हो तो इसमें जो है कि लहसुन ना डालें, सिर्फ मिर्ची में बना सकते हैं भुजिया। दोस्तों भिंडी का बनाने का खास तरीका होता है जो है कि ना अच्छे से इसको जो है कि तेल में भून लेना है, जो इसमें का लबाव है बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और इसे ढक के नहीं पकाना चाहिए, तभी अच्छी भिंडी बनेगी। अब ये देखिए दोस्तों हमारे भिंडी का जो भाजी मैं बना रही हूँ, इसका कलर बदलना चेंज हो गया है। देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। लगभग हमारी भिंडी पकने वाली है भाजी, तो मैं इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर दे रही हूँ, इससे बहुत अच्छा जो है कि स्वाद आता है। अब इसमें जा रहा है काला नमक स्वाद के अनुसार, आप चाहे तो पर डे खाने वाला नमक ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से भाजी को चला देना है। ये देखिए फ्रेंड हमारी भिंडी बनके तैयार है एकदम बढ़िया से। देखिए एक एक गट्टी अलग है जो हमने काटा हुआ है, कितना बढ़िया से बनी हुई है। तो मैं इसे प्लेट में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। तो दोस्तों भिंडी की भाजी बनके तैयार है, आप दाल चावल रोटी के साथ खा सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मिलूंगी आने वाले नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।